जो पिछले क्लास में हमने सीखा था अक्षरों को यानी कि चित्र को शब्द को जोड़कर बनाना और जोड़कर लिखना सीखा था। ठीक है, अभी हम सीखेंगे चित्र पहचान कर उसका नाम लिखना। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक चित्र निकालूंगी, वो चित्र का नाम आपको पहचानना है। मैं उदाहरण दिखा दूंगी आपको, उदाहरण सिखाऊंगी, तीन चार उदाहरण यहाँ पे मैं लिखूंगी, उसके बाद आपको चार पांच चित्र दूंगी, वो चित्र का नाम आपको पहचान कर नीचे लिखना है। ठीक है, चलिए बच्चों, अभी यहाँ आप देख रहे हैं चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए, मीन्स आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड राइट द नेम बिलो। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू आइडेंटिफाई दिस पिक्चर, वी हैव टू आइडेंटिफाई दिस डायग्राम और इमेज, एंड वी आर लुकिंग फॉर इन दिस व्हाट, इसमें क्या देख रहे हैं हम, ये हमें माला, माला यानी कि गले में जो डालते हैं वो माला की तरह दिख रहा है, यानी कि ये इसको हम माला कहते हैं, ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स में से ये माला हार है, ये क्या है अभी, इस इज लुकिंग लाइक कार, ये कार है। इसके बाद क्या आता है, जब बारिश आती है तो छाता का नाम आता है, तो यहाँ पे क्या है, छाता, छतरी, अम्ब्रेला। छाता, ठीक है, अभी ये होता है क्या है, ग्रेप्स। ग्रेप्स यानी हिंदी में क्या कहते हैं हम इसको, अंगूर, क्या कहते हैं, अंगूर। अंगूर, ठीक है, अभी अगला वाला चाहता है, ये है क्या दिख रहा है, ये लीव्स, पान, इसके क्या कहते हैं हिंदी में, पान। ये हो गए आइडेंटिफाई द पिक्चर्स। नाउ आई विल ड्रॉ हियर सम पिक्चर्स दैट यू हैव टू राइट इन योर, आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड यू हैव टू राइट इन योर बुक। ओके, दिस वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, this is fourth one, okay, now fifth one, last one is okay, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस पिक्चर एंड हैव टू राइट द नेम इन बिलो। ओके, हैव टू राइट डाउन बिलो, यहाँ पे नीचे आपको चित्र पहचानना है और इसका नाम नीचे लिखना है। ठीक है, ये अपने क्लास वर्क में भी उतारना है, अभी आगे देखेंगे हम। चलिए, यहाँ पे हमने लिख दिया है नया वाला, यानी कि गलत क्रम में लिखे गए अक्षरों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाइए। इट मीन्स री राइट द इनकरेक्ट वर्ड्स इन देयर करेक्ट फॉर्म्स पुटिंग द लेटर्स इन द करेक्ट ऑर्डर एज शोन इन द
examples. I'll show now how to write one by one. Like that only you have to solve in home. Did you understood? Okay. Now I'll start. Okay. Patghan. Patghan man kya hai? Yahan pe first I'll write Panghat. I'll write Panghat. Is that correct? Okay. Batarana. अब यहाँ पे क्या है ब र त न बर्तन मीन्स वेसल्स बर्तन ओके ग द र न गदरन गदरन मीन्स वी हैव टू करेक्ट इट ग वन र टू द थ्री एंड सो फोर ओके गर्दन गर्दन मीन्स नेक खी खी ली वन ख टू ली थ्री फोर इज लिख कर ली ख कर ओके नाउ नेक्स्ट बार ई ए ना ब मीन्स B1, N2, E3 and this one 4. Banaye. Didi. Banaye. Okay. These are the correct formation. Okay. Abhi aapko kya karna hai? Maine yahan pe mere identification ke liye यानी कि मुझे लिखने के लिए आसान हो इसीलिए मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिए हैं। पहला वाला ये अक्षर है, दूसरा वाला ये है, तीसरा वाला ये है और चौथा वाला, वो मिलाकर मैंने यहाँ पे पूरा अक्षर बना दिया है। उसी तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, अक्षरों को पहले समझ कर लेना है, शब्द को ढूंढ कर लेना है। जैसे कि क न म, यानी कि क न म से क न इज अ वर्ड, करेक्ट वर्ड नो, इट इज अ म न क इज अ करेक्ट वर्ड नो, इट इज न म क इज अ करेक्ट आंसर। लाइक दैट ओनली यू हैव टू राइट इन योर बुक्स। दिस इज दीज आर द एग्जाम्पल्स इन दीज आर द एग्जाम्पल्स एंड दीज आर द होमवर्क यू हैव टू राइट इन योर क्लास वर्क। ओके ये रहेगा एग्जाम्पल्स और ये रहेंगे आपको लिखने के लिए होमवर्क। यदि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार दोहराती हूँ। एक वर्ड रहता है यानी कि जंबल वर्ड, उसको आपको ठीक तरीके से नंबर वाइज ऐसे पहचानने के लिए नंबर डाल के लिए हैं। उसके बाद आप यहाँ पे एक एक अक्षर करके जोड़ कर लिखना है ताकि सही शब्द बन सके। ठीक है, अगले क्लास में हम सीखेंगे और कुछ नहीं, तब तक के लिए आप ये सॉल्व करके सही तरीके से अपने क्लास वर्क में उतारिए। धन्यवाद।